बोले मैं नहीं बनाते, रोटी मैं नहीं बनाती। उसने मना कर दिया। बाद में जब दरवाजे पे ही आ गई तो उस लड़की के माँ बाप थे, वो बोले वाह तूने पहले क्यों नहीं बताया। बोले मैंने तो बताया, तेरे माँ बाप मेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप तेरे माँ बाप। ए मैन बट बंडल ऑफ थॉट यादृशी भावना यश चित्र भौतिक तादृश। पति के माँ बाप को माँ बाप नहीं महसूस कर रही है, अपने माँ बाप को माँ बाप महसूस कर रहे तो कैसे हमारे को शांति मिलेगी, कैसे जीवन में रस आएगा, आनंद आएगा। हमारी सोच हमारे विचार जितना सेंसिटिव, हम हर जीव के अंदर हमारे को अपनापन लगना चाहिए, ये भारतीय सनातन संस्कृति है। हर जीव से हमारे को आत्मसात होना पड़ेगा, टचवुड, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जितने भी जीव संसार में हैं उनके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन एक चीज को हमारे को जरूर देखना चाहिए, बहिए में ना बहिए रहिए में रहिए, बहुत बुजुर्ग संत की कहावत है हिंदी में। जो समय का बहाव बह रहा है, अगर हमने अपनी संस्कृति को अपने समाज को संस्कारों को खो दिया तो बहुत मुश्किल से हम लौट के आ पाएंगे। किसी देश की अगर संस्कृति को अगर आपने नष्ट भ्रष्ट कर दिया तो वहां की सारी संपत्ति छीन ली। इस देश से बहुत कुछ दुनिया लेके गई, लेकिन अगर हमारे संस्कारों को ले गया उसने, फिर लौट के हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर अकेले बैठ के हम चिंतन करें, विचार करें, अभी पंडित में संत में भी अंतर नहीं, गृहस्थी में भी और बाबा में भी अंतर नहीं, कोई देश धार्यति सौ धर्म, धर्म एक रेखा है जैसे रोड है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी शिकागो में, आज मन में हर है बोल देता हूं। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त ओरानी बोधित सूरस्य धारा निशिता पुराणा और स्वधर्मो निधनो श्रेयस पर धर्मो वह। उठो जागो और जब तक अपने ध्येय तक नहीं पहुंचो, ध्येय मतलब अंतिम श्वास भी हमारा अंतिम कर्म है, जो हमारा सामाजिक पारिवारिक कार्य कर्तव्य धर्म है, उस धर्म को झाड़ू लगाते हुए भी मेरे को भगवान दिखने चाहिए। लेकिन जब हम दूसरे के बेटे को अपना बेटा जैसे सामने आता है तो दूसरे के बच्चे को भी हम उतने ही दिल से गले लगा सके। जिस दिन हमारे में ये बात आ गई उस दिन समझो हम भक्त बन गए।